अब रुबीना की नजरों में नहीं रही राखी सावंत की इज्जत। जी हाँ, अब नहीं करती है रुबीना राखी सावंत की जरा भी इज्जत। जी हाँ, वेल आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने ऐसा क्यों कहा है। भाई ये मैंने नहीं कहा है, ये दरअसल रुबीना ने कहा है। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए, बिग बॉस का घर एक ऐसी जगह है जहां पर रिश्ते बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं और फिर बनते हैं। फिर देखिए, बाहर जाने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं। राखी सावंत जब से बिग बॉस के घर में एंटर करी है, तब से हमने देखा है कि रुबीना ने जेन्युइनली उनको जो है वो प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दी है। लेकिन देखो, उन्होंने उनके पति का नाम जो है वो अपने पूरी बॉडी पर लिखा, तब भी उन्होंने इतना कुछ नहीं कहा। शी इज बिहेविंग वेरी नॉर्मल। उन्होंने कहा, यार तुम बस तुम्हारी इमेज खराब ना हो, बाकी जो ठीक है तुम्हें जो सही लगता है वो करो। अब यहाँ पर नाड़ा खींचने वाली बात आई, तो इस भी ये बात पर अब रुबीना को काफी ज्यादा गुस्सा आया। रुबीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनके हस्बैंड के साथ में इस तरीके की हरकत की गई, जिसके बाद में रुबीना ने कहा कि मैं आपकी अब तक इतनी इज्जत कर रही थी, मैं अब तक आपको इतनी इज्जत से पेश आ रही थी, अब नहीं करती हूँ। अब नहीं करती हूँ से इस इन द सेंस के, लाइक ये नहीं कि वो उनको जाके कुछ उल्टा सीधा बोलेंगी या उन पे जाके कुछ इस तरीके की बात करेंगी, लेकिन अब वो नजरों में से वो इज्जत चली गई। और उन्होंने कहा, यार मैंने इन पे इतना भरोसा किया है, मैंने इतना प्यार दिया है और यही मेरे साथ में इस तरीके की हरकतें कर रही है, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। ठीक है, अभी चीजें हो गई तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जो है वो मुझे बुरा लग रहा है। सो गाइस, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? क्या सच में राखी सावंत की गलतियां जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है? देखिए, मैं यहाँ पर सिंपल से एक बात कहती हूँ कि अगर मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात भी है, अगर यहीं पर किसी मेल की जगह किसी फीमेल कंटेस्टेंट के साथ में हुआ होता तो शायद सभी घर वालों का रिएक्शन इतना लाइट नहीं होता। सो आप लोग मुझे क्या कहना चाहेंगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।